हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम क्लासेस। और आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात करते हैं कि जो हमने पढ़ा है इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है या किसी को कोई समस्या तो नहीं है। अगर कोई किसी को समस्या है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था आपको, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम क्या होता है या डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बेटा, तो इसमें दो चीज आपको याद रखना है कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर लेते हैं। टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर का मतलब जब दो लक्षणों के बीच हम लोग क्रॉस करवाते हैं या संकरण करवाते हैं तो उसे बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं बेटा। अब देखो, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम क्यों इसे कहते हैं, तो मेंडल का जो दो रूल है, मतलब एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, ठीक है, तो मेंडल का जो रूल है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, एक संकर संकरण के बारे में, ठीक है, तो एक संकर जो संकरण है, मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस बेटा, इसमें मेंडल के दो नियम क्या हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाग ले ले। मेंडल के जो दो नियम हैं वो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके अंदर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। तो पहला नियम कौन सा है, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट मतलब प्रभाविता का नियम, ठीक है, और दूसरा जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है, इसे दो नामों से जानते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और पहले को लॉ ऑफ डोमिनेंट। तो मैंने बताया था बेटा कि मेंडल का जो एक्चुअली लॉ होता है वो दो ही है, ठीक है, कितना है, दो ही लॉ है। तो कौन कौन सा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि हमने लेक्चर टू में पढ़ा है। जो प्रभाविता का नियम है बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंट जो है, वो मेंडल ने जो लक्षण लिया था अपना, मेंडल के हर एक लक्षण में डियर, उन्होंने क्या लिया था कि एक लक्षण जो था प्रभावी था और दूसरा लक्षण क्या था, अप्रभावी था। तो इसके आधार पे एक नियम बना दिया गया था, लॉ ऑफ डोमिनेंट और प्रभाविता का नियम कहते हैं जिसे हम लोग, ठीक है ना। तो अगर आपसे एग्जाम में मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूछता है, अगर आपसे लॉ ऑफ डोमिनेंट पूछता है, अगर आपसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछता है, तो तीनों का मतलब एक ही होता है बेटा, जो कि हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा है। तो इस लेक्चर में, आज का जो लेक्चर है हमारा बेटा, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो मैं थोड़ा सा बेटा इसको बताने से पहले आप लोगों को डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है इसका, दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे, सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है, अन अकेडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम यूपी 10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक जो रेशियो था, ये मैंने आपको बताया था कैसे निकाला जाता है,
ठीक है, तो इसको एक बार और आप लोग रिकॉग्नाइज कर लें कि अगर मोनोहाइब्रिड क्रास का, अगर मोनोहाइब्रिड क्रास का एक संकर संकरण का आपको रेशियो याद है, अनुपात अगर आपको याद है बेटा, जैसे अगर हम लोग फिनोटिपिक की बात करते हैं, फिनोटिपिक की बात करते हैं, पी का मतलब फिनोटिपिक, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो फिनोटिपिक का अगर बात करते हैं मोनोहाइब्रिड की, ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड का जो फिनोटिपिक है बेटा ये क्या होता है, इसका जो अनुपात होता है क्या होता है, 3:1 होता है, ठीक है ना, 3:1 होता है। तो अब हमें बताना किसके बारे में, मान लो अगर आपसे पूछा गया कि डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई कर देना। अगर ट्राई हाइब्रिड पूछता है बेटा त्रिसंकरण, तो यहाँ पे तीन लिख देना है, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं बच्चों तो क्या होता है, देखो 3:1 तो हमें बताना किसका है, डाई का, तो इसको दो बार कर दो, ठीक है, इसका दो बार कर दो मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, देखो तो क्या होगा, इस थ्री का मल्टीप्लीकेशन या गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, क्या हो जाएगा 9, ठीक है, फिर इसी थ्री का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा, 3 × 3, देन हम लोग अब क्या करेंगे, इस एक का जो 1 है हमारा, इसका मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो फिर 3 हो जाएगा, और फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो रेशियो मिला 9:3:3:1 का रेशियो हमें प्राप्त हुआ, जो कि किसका रेशियो है, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो है बेटा, ठीक है, किसका रेशियो है, डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो है। अब अगर आपसे जीनोटिपिक रेशियो के बारे में बात करता है, अगर आपसे जीनोटिपिक रेशियो के बारे में बात करता है कि द्विसंकर संकरण का जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, तो अगर आपको एक संकर संकरण का या मोनोहाइब्रिड क्रॉस का या पृथक्करण के नियम का आपका जीनोटाइप अनुपात अगर आपको याद है, तो आप डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण के जीनोटिपिक अनुपात के बारे में आप बता सकते हो, ठीक है, तो क्या होता है, 1:2:2:1, ठीक है, यही होता है ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक। अब इसी तरह जैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए थे, इसी तरह इसको भी कर दो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ पे कर दो तुम लोग, इसको भी दो बार करना है तो 1:1 कर दो, ठीक है, तो क्या होगा, देखो 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब इस 1 का जो मल्टीप्लिकेशन है इस पूरे तीनों नंबर में करना है, ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लिकेशन करो, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 × 2 = 4 हो जाएगा, फिर 2 × 1 = 2 हो जाएगा, फिर इस बचा 1 का मल्टीप्लिकेशन सारे में कर दो तो 1:1 हो जाएगा, ठीक है, तो ए आपका क्या हो गया, जीनोटिपिक हो गया, ठीक है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक अनुपात में या द्विसंकर संकरण के जीनोटिपिक अनुपात में बेटा 9 नंबर रहते हैं, कितने नंबर रहते हैं, 9, ये याद करने का तरीका है, आप लोग याद कर लो कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में 9 नंबर होते हैं जीनोटिपिक अनुपात में, और फिनोटिपिक अनुपात में 4 नंबर होते हैं। फिनो अगर हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक संकर संकरण की बात करते हैं कि एक संकर संकरण में जो फिनोटिपिक अनुपात होता है एक इसमें केवल 2 नंबर पाया जाता है और जीनोटिपिक में 3 नंबर पाया जाता है, तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा, ये बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है बेटा,
ठीक है, आप हर चीज कर लोगे लेकिन फिनोटिपिक जीनोटिपिक अनुपात क्या है आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको याद है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो मैंने निकालने का तरीका भी आपको बता दिया है। अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो 12 12 42 121 या 12 24 12 121, ठीक है, दोनों ही रेशियो क्या है आपका सही है बेटा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या नाम है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अब इसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्यों कहते हैं? ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्यों कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस ठीक है, इसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्यों कहते हैं? ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, जानना है। ठीक है, तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज सबसे पहले किसने की थी, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि अपूर्ण प्रभाविता के बारे में किसने बताया था, तो कार्ल कोरेंस नामक साइंटिस्ट ने बताया था। किसने बताया था? कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस नामक साइंटिस्ट ने अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया था। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अपूर्ण प्रभाविता जो है वो किस प्लांट पे किया गया था, तो मीराबिलिस जलापा प्लांट। ठीक है, मीराबिलिस जलापा बेटा, ठीक है, किस पे? मीराबिलिस जलापा। ओके, मीराबिलिस जलापा। ठीक है, इसे इसका दो नाम और है, इसका दो नाम क्या है? फोर ओ क्लॉक प्लांट है। क्या बेटा? फोर ओ क्लॉक प्लांट। फोर ओ क्लॉक प्लांट, और हिंदी में इसे बोलते हैं गुलाबांस बेटा। क्या बोलते हैं? गुलाबांस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, इतनी सारी चीज। ठीक है, गुलाबांस जो है इसका हिंदी नेम है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें कंफर्म हुई आपकी कि अपूर्ण प्रभाविता जो नियम है इसको किसने दिया था? कार्ल कोरेंस ने। इसका जो प्रयोग था किस प्लांट पे था? मीराबिलिस जलापा प्लांट पे था। इसको और भी नामों से जानते हैं, फोर ओ क्लॉक प्लांट, ठीक है, और गुलाबांस। ठीक है, इतनी सारी चीजें रेडी हो गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता नियम क्या होता है। तो देखो, अपूर्ण प्रभाविता नियम में कार्ल कोरेंस ने क्या किया कि प्लांट जो था उनका जो फ्लावर था, उन्होंने दो फ्लावर को चुना, एक रेड और एक व्हाइट। ठीक है, रेड को उन्होंने कैपिटल आर से दिखाया, रेड को उन्होंने कैपिटल आर से दिखाया और व्हाइट को उन्होंने स्मॉल आर से दिखाया। ठीक है, ये चीज याद है ना? यहां पे मैंने बताया था कि अल्टरनेटिव फॉर्म होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? अल्टरनेटिव फॉर्म। ठीक है, तो अब देखो, जब यहां पे रेड हो गया तो इसे हम लोग बोलते हैं P1, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेंटल जनरेशन। ओके, चलो पैरेंटल जनरेशन हो गया। अब इसका हम लोग क्या लेते हैं? गैमेट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? गैमेट्स मतलब युग्मक लेते हैं, जिससे हमको क्या कराना है? क्रॉस करवाना है। ठीक है, तो जब इसका हम लोग क्रॉस करवाए
तो क्या बना, हमारा जो प्लांट बनाया, जो हमारी सीड बनी, वो क्या बनी? ठीक है, तो जो आने वाली जो जनरेशन है, ये हमारी क्या हो गई? हो गई कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसको बोलेंगे F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे? F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन। ठीक है, तो F1 पीढ़ी में सारे के सारे जो प्लांट थे वो कैसे बने? पिंक बने बेटा, गुलाबी। ठीक है, कैसे बने? पिंक। अब बनना क्या चाहिए था? देखो यहां पे अगर हम लोग मेंडल की बात करें दोस्तों, तो यहां पे क्या बनना चाहिए था कि अगर ये रेड है, ये वाइट है, तो मेंडल के अनुसार जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, प्रभावता का जो नियम हमने पढ़ा, यहाँ पे क्या बनना चाहिए था? रेड बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? रेड मतलब लाल कलर जो था यहाँ पे बनना चाहिए था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना? जब रेड बनना चाहिए था यहाँ पे, तो रेड तो बना नहीं। यहाँ पे रेड न बन के यहाँ पे क्या बन गया? पिंक बन गया। ठीक है, यहां पे क्या बन गया? पिंक कलर बन गया। अब कैसे पिंक बन गया? ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जाहिर सी बात ऐसा कुछ तो होगा जो इस कलर के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहां पे एक चीज याद रखना है, जो लाल कलर है और ये जो सफेद कलर है, ये दोनों क्या है? इनकम्प्लीट है। मतलब न ही जो रेड है, जो हमारा लाल कलर है, इसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी है, और न ही वाइट जो है इसके द्वारा पूर्ण रूप से अप्रभावी हो रहा है। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि जब दोनों ही क्या है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेंड हो जा रहे हैं, न ही ये डोमिनेंसी इसके ऊपर शो कर पा रहा है, न ये प्रभावी हो पा रहा है, अप्रभावी हो रहा है, तो दोनों के जो बीच का कलर है बेटा, ये क्या आ जा रहा है? पिंक आ जा रहा है। अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता का मतलब कि जो रेड है ये वाइट के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, इसीलिए इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब कार्ल कोरेंस ने क्या किया कि इसको फिर आगे जो F2 जनरेशन है हमारी, इसमें उन्होंने क्या कर दिया? सेल्फिंग करवा दिया। क्या करवा दिया? सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब स्वपरागण। और जब उन्होंने सेल्फिंग करवाया तो उन्हें क्या मिला? ठीक है, जो रेशियो था वो क्या मिला? आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं, सेल्फिंग करवा के देखते हैं कि जो हमने सेल्फिंग जब करवाया तो उन्हें कैसा रेशियो मिला। ठीक है, यहां पे हमने F2 जनरेशन में जब सेल्फिंग करवाई तो क्या बना? अब यहाँ पे सेल्फिंग देखो हम लोग क्या करवाते हैं, तो एक हो गया हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर, और इधर भी क्या हो गया? कैपिटल आर स्मॉल आर। चल अब फटाफट क्रॉस करवा दो। जब हम लोग क्रॉस करवाए तो यहाँ पे क्या मिला हमें? कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या मिला? कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर यहां पे क्या मिला? कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहां पे क्या मिला? स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखिए यहां पे जो प्लांट बने हैं बेटा, ये कैसे बने हैं? ठीक है, चलो बताओ यहां पे जो प्लांट बने हैं ये कैसे बने हैं?
तो यहाँ पे जो प्लांट बने, यहाँ पे एक प्लांट जो बना वो क्या बना, रेड बना। ठीक है, कैसा बना, रेड। ठीक है, और दूसरा जो था वो कैसा बना, पिंक बना। और ये भी कैसा बना, पिंक बना। और ये वाला जो था वो कैसा बना, व्हाइट बना। ठीक है, लेकिन अब देखो अगर मेंडल की हम लोग बात करें, मेंडल के अनुसार अगर हम लोग चलें तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, यहाँ पे टॉल बनना चाहिए था, मतलब रेड कलर बनना चाहिए था जो कि बना। लेकिन यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, यहाँ पे बताओ क्या बनना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे जो था हमारा क्या बनना चाहिए था, यहाँ पे भी रेड बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था बेटा, शंकर लाल बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं बना। यहाँ पे जो रेशियो आया, यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है, 1:2:1 का रेशियो आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है, 1:2:1। ठीक है, 1:2:1 का जो है वो क्या है, रेशियो है। तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि अपूर्ण प्रभाविता के नियम में जो फिनोटिपिक और जो जीनोटिपिक अनुपात होता है ये दोनों ही क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है, मतलब समान होता है, फिनोटिपिक प्लस जीनोटिपिक। ठीक है, फिनोटिपिक प्लस जीनोटिपिक अनुपात। ठीक है, तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक जो अनुपात है वो दोनों ही क्या है, सेम होता है अपूर्ण प्रभाविता के नियम में। तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम किसने दिया था, ठीक है, इसका जो प्रयोग था वो किस प्लांट पे किया गया, ठीक है, इसका जो प्रयोग था वो किस प्लांट पे किया गया, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बेटा ये आपका है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक अनुपात। ठीक है ना, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक अनुपात जो है 1:2:1, ठीक है, ये जो अनुपात है इसके बारे में हमें क्या करना है, बात करना है कि जो फिनोटिपिक और जो जीनोटिपिक अनुपात है, ठीक है, एक संबंधी दो संबंधी एक का, ठीक है, एक संबंधी दो संबंधी एक का जो अनुपात है वो क्या है दोनों में, ये क्या है दोनों में, सेम होता है। मतलब अपूर्ण प्रभाविता के केस में जो हमारा नियम है, मतलब जो अनुपात है हमारा अपूर्ण प्रभाविता के केस में, ये दोनों फिनोटिपिक और जीनोटिपिक जो अनुपात है दोनों सेम होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको दिमाग में माइंड में अच्छी तरीके से आप लोग बैठा लेंगे। तो अब अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या होता है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो अपूर्ण प्रभाविता का नियम होता है, अपूर्ण प्रभाविता, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ कि जो हमारा आंसर होता है एक क्वेश्चन में ही रहता है, ठीक है, तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लाल पौधा है ये पूर्ण रूप से सफ़ेद पौधे के ऊपर प्रभावी नहीं होता है, और न ही जो सफ़ेद पौधा है वो पूर्ण रूप से लाल के द्वारा अप्रभावी होता है। इसीलिए इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता के नियम में हम लोग लिखेंगे कैसे, कार्ल कोरेंस ने दो प्रकार के पौधों को लिया, एक लाल और एक सफ़ेद पौधों को लिया, उन्होंने लाल पौधे की कैपिटल आर आर से दिखाया और सफ़ेद पौधों को उन्होंने स्मॉल आर आर से दिखाया। उन्होंने जब इसके बीच क्रॉस किया तो F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे गुलाबी कलर के मिले, कैसे मिले, गुलाबी कलर के मिले। फिर उन्होंने F2 जनरेशन में गुलाबी कलर के अंदर या गुलाबी कलर के बीच में सेल्फिंग करवाई, स्वपरागण कराया, तो जब उन्होंने स्वपरागण किया या जब उन्होंने स्वपरागण करवाया तो उन्हें F2 जनरेशन में एक संबंधे दो संबंधे एक का अनुपात प्राप्त हुआ, जो कि मेंडल के अनुपात के या मेंडल के नियम के क्या था, विपरीत था। ठीक है, एक संबंधे दो संबंधे एक के अनुपात में जो बना, एक पौधा जो था वो रेड बना, दो पौधा जो था गुलाबी बना, और एक पौधा जो है हमारा वो वाइट बना। अगर मेंडल की हम लोग बात करें, मेंडल के अनुसार तीन रेड बनने चाहिए थे,
तीन रेड बनने चाहिए थे और एक वाइट बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो रेड पौधा है वो पूर्ण रूप से सफ़ेद पौधे के ऊपर प्रभावी नहीं है, इसीलिए इस नियम को हम लोग बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम बेटा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी पूछा जाएगा आपसे चार नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, अति लघुत्तरी के क्वेश्चन में क्या होता है पूछा जाता है, कभी कभी लांग में भी पूछ सकते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अपूर्ण प्रभाविता के नियम में फिनोटिपिक जीनोटिपिक जो अनुपात होता है वो सेम होता है, एक ही होता है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। 1:2:1 का जो होता है इसमें क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको क्या करना है, लर्न करना है, याद करके रखना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया है, किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूज़न है या रेशियो को लेके कन्फ्यूज़न है, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है इसको लेके कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, इसका रेशियो ऐसे कैसे आया है, क्यों आया है। फिर भी मैंने इसको अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। ठीक है, ये अपने अपने समझने की बात है बेटा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, हमें प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा बताते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से आपको क्या कर सकें, एक्सप्लेनेशन कर सकें, समझा सकें। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप प्लीज़ हमें बताइएगा। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी आपके साथ हेल्प मिल सके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।